मतलब कुल मिला के पहले कांग्रेस में ड्रामे हुए कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपने अध्यक्ष को चुनेंगे, तरह तरह की बातें हुई और घुमा फिरा के कहानी बार बार राहुल गांधी जी पे क्यों टिक जाती। मैं मानता हूँ कि इतनी पुरानी पार्टी है, क्यों नहीं पार्टी अपने लोकतांत्रिक तरीके से एक अध्यक्ष का चुनाव कर सकती। क्यों गांधी परिवार का कोई व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए? क्या किसी और पार्टी के कार्यकर्ता, कोई पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता, क्या वो सपना नहीं देख सकता कि वो भी आगे जाके पार्टी के बड़े पदाधिकारी बने या अध्यक्ष बने? मैं मानता हूँ कि ये सोच देश की राजनीति के लिए भी गलत है और ऐसी पार्टी जो परिवारवाद में घिरी हो, जो केवल परिवार वालों को आगे करे, वो देश का कभी भला नहीं कर सकती।